हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण आयोग, भारत के ऐसे आयोग जिनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हंटर आयोग कौन सा है, हंटर कमीशन किससे संबंधित है, हंटर आयोग क्यों बनाया गया, हंटर कमीशन क्यों बनाया गया, ठीक है। तो इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। सरकारी आयोग कौन सा था, शाही आयोग कौन सा था, तो ये सारे जो आयोग होते हैं इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं और अपने यहां पर एमपीपीएससी में तो जरूर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ किसी भी राज्य में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और वनडे एग्जाम में, स्टेट नॉन पीसीएस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। यहां क्या है आयोग में, सबसे पहले जो आयोग आपके सामने दिया हुआ है, जैसा हंटर आयोग दिया हुआ है, हंटर आयोग के बारे में अगर बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। हंटर कमीशन अलग है जो कि जो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बाद में नानावटी आयोग गोधरा कांड से, या गोधरा कांड को हटा देते हैं तो फिर यहां पर हम बात करेंगे। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। ठक्कर आयोग की बात करेंगे, इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित। लेब्राहन आयोग की बात करेंगे तो बाबरी मस्जिद जो अयोध्या कांड है उससे संबंधित है। फिर इसके बाद में बात करेंगे फुकन आयोग, तो ये आपका तहलका टेप कांड से रिलेटेड है। हिटले आयोग संबंधित है आपका श्रम आयोग से। श्री कृष्ण आयोग की बात करेंगे तो 1993 में जब मुंबई दंगे हुए थे, 1993 में जो मुंबई दंगे हुए थे उनसे संबंधित है आपका श्री कृष्ण आयोग बनाया गया था। मुखर्जी आयोग की बात करें तो न्यायमूर्ति मुखर्जी जी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिस प्रकार से गुमसुदगी हुई थी, जिस प्रकार से वो गायब हुए थे, उनके संबंध में इस आयोग का गठन किया गया था। सरकारी आयोग की बात करते हैं तो केंद्र राज्य संबंधों पर क्या करने के लिए, विचार करने के लिए एक न्यायाधीश थे सरकारी, इनके बाद में ही ये आयोग का क्या किया गया था, पुंछी आयोग इनके बाद में फिर गठित किया गया। हालांकि शुरू में तो कौन थे आपके, तो न्यायाधीश सरकारी की ही अध्यक्षता में हुआ था, हालांकि इनके बाद में फिर पुंछी आयोग के गठन किया गया। फिर मंडल आयोग की बात करते तो मंडल आयोग तो आप सभी लोगों को पता है कि मंडल आयोग बहुत ही ज्यादा विवाद वाला आयोग बना था ये, मतलब अगर देखा जाए बहुत ही ज्यादा समस्या इस टाइम पे थी क्योंकि ये आपका पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित आयोग था, ठीक है। फिर बात करते हैं कोठारी आयोग की, तो जो शैक्षिक सुधार है कोठारी आयोग संबंधित किससे था, आपका शैक्षिक सुधार से संबंधित था। तो स्टार्ट करते हैं हंटर आयोग से। देखिएगा थोड़ा सा बस इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो नृशंस हत्याएं होती, बहुत सारे लोगों को डायर के द्वारा जो मारा जाता है, तो उसी पर जांच करने के लिए विधान परिषद के द्वारा इस हादसे की जांच के लिए जो आपका हंटर आयोग था इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा किसका गठन किया गया था, हंटर आयोग का गठन किया गया था। और 23 अक्टूबर 1919 को जो आपका ये हंटर आयोग है गठन किया गया था, किसकी जांच के लिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। एक और चीज लिखी हुई है, हंटर कमीशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हंटर कमीशन जो है भारतीय शिक्षा पर आयोग बनाया गया था, 1882 में तैयार हुआ था विलियम हंटर के द्वारा। ध्यान रखिएगा विलियम हंटर के द्वारा हंटर कमीशन एक अलग कमीशन बनाया गया था। हंटर आयोग एक अलग आयोग है, हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड पर विचार करने के लिए, उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए बनाया गया था, जो कि 29 अक्टूबर 1919 को बना था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बात करें हंटर कमीशन, तो हंटर कमीशन भारतीय शिक्षा पर क्या करने के लिए, भारतीय शिक्षा पर ये एक आयोग था, उस पर विचार करने के लिए विलियम हंटर के द्वारा 1882 में बनाया गया था। आगे बात करते हैं नानावटी आयोग। अब देखो नानावटी आयोग क्या है, 1984 में सिख विरोधी दंगे होते हैं, नृशंस सिखों की हत्या की जाती, बहुत ज्यादा सिखों को साथ में अत्याचार होता है वहां पे, तो निर्दोष सिखों की हत्या की जाती, कई सारे निर्दोष सिखों की हत्या की गई थी वहां पर, ठीक है। और उसी की जांच के लिए न्यायमूर्ति जीटी नानावटी आयोग की नियुक्ति की गई और 2000 में इसका क्या किया गया था, नानावटी आयोग को बनाया गया था, ठीक है। जो सिख थे निर्दोष, उनकी हत्या हुई थी, उन्हीं के एवज में उन्हीं की जांच करने के लिए, उसी पर जांच करने के लिए नानावती आयोग बनाया गया था और न्यायमूर्ति जीटी नानावती, जो आपके जीटी नानावती हैं, इन्होंने इनकी अध्यक्षता में ही ये आयोग गठित हुआ था मई 2000 में, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले आयोग की, जैन आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है आपका, राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित था। राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में जांच करने के लिए, किस प्रकार से राजीव गांधी की हत्या हुई, क्यों हुई, किसने मारा, क्या रीजन था, क्या कॉज थे, इस सभी पर विचार करने के लिए और अगला जो आयोग बना, इस आयोग का नाम होता है जैन आयोग, राजीव गांधी हत्याकांड की जांच करने के लिए। आगे बात करते हैं यहां पर हम आपसे ठक्कर बापा आयोग। देखिए ठक्कर बापा आयोग की अगर मैं आपसे बात करूं, ठक्कर बापा आयोग क्या बात करता है, तो 1984 में इंदिरा जी की डेथ हुई थी, आपको पता है मारा गया था,
तो इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या कारण थे, तो इन सभी पर जांच करने के लिए, इसी की जांच करने के लिए एमपी ठक्कर, क्या नाम है, एमपी ठक्कर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, जिस आयोग का नाम था ठक्कर आयोग। किसकी जांच करने के लिए, तो इंदिरा गांधी की हत्या की जांच करने के लिए एमपी ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट आयोग जिसका नाम है लिब्राहन आयोग। क्या नाम है, लिब्राहन आयोग। अब लिब्राहन आयोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह अयोध्या कांड बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। अयोध्या जांच आयोग है 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे वाली बाबरी मस्जिद के विनाश की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक लंबे समय तक चलने वाला यह आयोग था। आप सभी लोगों को पता है कि मीर बकी के द्वारा क्या किया जाता है यहां पर मंदिर को, पुराने समय में ऐसा बताया जाता है कि क्या किया जाता है कि मंदिर को विध्वंस करके और फिर बाबरी मस्जिद बनाई जाती है, और उसके बाद में 1992 में बाबरी मस्जिद का विनाश किया जाता है, और फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा दंगे फैल जाते हैं, और उसी की जांच करने के लिए लिब्राहन आयोग का क्या किया गया, लिब्राहन आयोग का गठन किया जाता है 1992 में। आगे बात करते हैं विटले आयोग। अब देखो आप लोगों ने विटले आयोग का नाम सुना होगा, इस प्रकार से लिखता है विटले आयोग। अब ये जो विटले आयोग है क्या होता है कि श्रमिकों की मौजूदा स्थिति की जांच करने के लिए जो आपके सरकारी उपक्रम है, औद्योगिक जो उपक्रम है, औद्योगिक उपक्रमों में जो श्रमिक कार्य कर रहा है, उस श्रमिक की स्थिति जानने के लिए, वो श्रमिक किस अवस्था में काम कर रहा है, कैसी उसकी स्थिति है, उस स्थिति की जांच करने के लिए, उसकी मौजूदा स्थिति की निगरानी करने के लिए 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना की गई। क्या है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना की गई। तो कब किया गया, 1929 में किया गया। कौन सा कमीशन है, विटले कमीशन है। नाम क्या है, विटले आयोग है। क्यों किया गया, तो श्रमिकों की स्थिति की जांच करने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना की जाती है। इसके जो अध्यक्ष हैं जॉन हेनरी विटले होते हैं। कौन होते हैं, जॉन हेनरी विटले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इंडिया 1929, याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं श्री कृष्ण आयोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1993 में बॉम्बे दंगों की जांच होती है, बॉम्बे दंगों की जांच होती है, जांच करने के लिए जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण आयोग नियुक्त किए गए। कौन, जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण आयोग नियुक्त किया गया। हालांकि ये आयोग कुछ काम नहीं कर पाया, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है कि अपनी रिपोर्ट ना दी, अपनी रिपोर्ट ना बनाए, तो ये आपको देखने को मिलता है श्री कृष्ण आयोग के बारे में। श्री कृष्ण आयोग 1993 में जो बॉम्बे दंगे हुए थे उसी की जांच करने के लिए जस्टिस बी एन श्री कृष्ण आयोग को नियुक्त किया गया था। आगे बात करते हैं यहां पर आपसे मुखर्जी आयोग की, मैं आपसे बात करता हूं कौन सा आयोग आता है, मुखर्जी आयोग। तो ध्यान से देखिएगा, 1999 में जस्टिस मुखर्जी की एक सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। क्या है, तो 1999 में जस्टिस मुखर्जी की एक सदस्यीय जांच समिति बनाई गई, और यह जांच समिति केवल इसलिए बनी थी कि सुभाष चंद्र बोस जी अचानक से कैसे गायब हो गए, सुभाष चंद्र बोस अचानक से रहस्यमय तरीके से किस प्रकार से इनकी डेथ हो गई, किस प्रकार से ये गायब हो गए, और इसी की जांच करने के लिए, सुभाष चंद्र बोस की जांच करने के लिए कि ये कहां गए, किस प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई, गायब कैसे हो गए, तो इसी की जांच करने के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्टिस मुखर्जी की अध्यक्षता में ये जांच कमेटी बनाई गई थी। हालांकि इसके पीछे भी बहुत सारी आपको अनसुनी कहानियां, है ना, अनसुलझी कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई, नेताजी गायब कैसे हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं सरकारिया आयोग। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सरकारिया आयोग। अब ये सरकारिया आयोग कब बनाया गया था, तो ध्यान से देखिएगा, सरकारिया आयोग 9 जून 1983 को गठित किया गया था। कब गठित किया गया, तो सरकारिया आयोग 9 जून 1983 को गठित किया गया। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। कौन थे, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। केंद्र राज्य संबंधों से जो संबंधित शक्ति संतुलन है उस पर अपनी रिपोर्ट देना, केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है उसका जो शक्ति संतुलन है उस पर अपनी रिपोर्ट देना है, किसको, सरकारिया आयोग को। और इसी के एवज में, इसी के संबंध में सरकारिया आयोग का गठन 9 जून 1983 को किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं यहां पर सरकारिया आयोग के बाद में अगला जो आयोग आपको मिलता है ये है कोठारी आयोग। कौन सा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कोठारी आयोग, ध्यान रखिएगा, 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया है। 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और यह गठन केवल और केवल इसलिए होता है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया रूप दिया जाए, एक नया आकार दिया जाए और नई शिक्षा प्रदान की जाए, जो हमारे यहां पर शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार हो सके और शिक्षा प्रणाली को नया आयाम दिया जा सके, शिक्षा प्रणाली को नई दिशा प्रदान की जा सके। इसी के उद्देश्य से कोठारी आयोग 1964 में गठित हुआ और 1966 में 29 जून को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं
मंडल आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका मंडल आयोग। मंडल आयोग किससे रिलेटेड है, तो ये मंडल आयोग सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के उद्देश्य से गठित हुआ था। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, किस प्रकार से, सामाजिक और शैक्षणिक, सोशल और एडुकेशनल, जो आपके बैकवर्ड है, पिछड़े वर्ग की पहचान करने के उद्देश्य से ही इस आयोग का गठन किया गया था। बीपी बिंदेश्वरी, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, क्या नाम है, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो सांसद है, इनके द्वारा ही इस आयोग का गठन किया गया था 1979 में। कब गठन किया गया 1979 में, बीपी प्रसाद या बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का गठन किया गया था। मंडल आयोग है ये आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पे, तो ये हमारे सारे के सारे आज के इस सेशन के आयोग थे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि आपको और भी कोई सेशन चाहिए, इसी प्रकार से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, हम उस सेशन पर जरूर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो मुलाकात होगी आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।